हमारी आदतें ही हमारे जीने का ढंग डिपेंड करती हैं। हम डेली क्या करते हैं, किन लोगों के बीच में रहते हैं, अपना पूरा दिन कैसे बिताते हैं, ये सब हमारी लाइफ को इफेक्ट करता है। कुछ बातें ऐसी होती हैं जो हमें अंदर झंझोड़ कर रखती हैं, उनकी वजह से हम किसी से भी खुलकर बात भी नहीं कर पाते। कुछ यादें ऐसी होती हैं जिनमें हम फंस कर रह जाते हैं। बहुत कोशिश करते हैं हम खुद को बदलने की, पर वो चीज़ें नहीं हो पाती जो हम चाहते हैं। आज मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगा जो आपको अंदर से मजबूत बनाएगी, जो आपके अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी देने में मदद करेगी, जो आपसे कहेगी कि तुझको जो करना है वो कर, मैं तेरे साथ हूँ। और जब ये वर्ड्स हमारे कानों में पड़ते हैं ना यार कि मैं तेरे साथ हूँ, उससे जो हमें पावर मिलती है ना, वो बाकी दिनों के पावर से हट कर होती है। उसमें एक एनर्जी होती है कुछ कर दिखाने की। आई होप्स कि ये वीडियो आपके थॉट्स को बदलने में मदद करेगी, ये आपको मेंटली मजबूत करेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले है, अपने आप को प्रूव करना छोड़ दो। किसी के भी सामने अपनी अच्छाई पेश मत करो कि मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ। लोग हमेशा अपने हिसाब से हमें ट्रीट करते हैं। आपको कितनी भी कोशिश कर लो उनको अच्छा दिखने की, वो वही देखेंगे आप में जो उनको देखना है। जो आपसे प्यार करते हैं वो आप में लाख बुराई होने के बाद भी आपसे प्यार करेंगे, और जो नहीं करते वो लाख अच्छाई होने के बाद भी आपसे प्यार नहीं करेंगे। आपका लोगों को ज़बरदस्ती इंप्रेस करना ये दिखाता है कि आप फालतू इंटरेस्ट लेते हो सब में, जबकि खुद को ऐसा बनाओ कि आप किसी से नज़रें तक न मिलाओ और सामने वाला आप में इंटरेस्ट लेने लगे। इसके बाद है दोस्तों, मूव ऑन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अपनी लाइफ में एक बड़ी सफलता हासिल करने के लिए हर एक जगह से निकल जाना बहुत ज़रूरी होता है। अपने माइंड में ये बात अच्छे से बैठा लो कि दुनिया का दूसरा नाम परिवर्तन है। अगर एक जगह रुके तो उसी जगह बर्बाद होने शुरू हो जाओगे। तुमसे कोई बड़ी गलती हुई है, किसी का दिल दुखाया है या किसी ने तुम्हारा दिल दुखाया है, तो बस माफ़ी मांग कर या माफ़ करके आगे बढ़ो। अपनी हर एक गलती से नई चीज़ें सीखो और आगे बढ़ते रहो। किसी भी चीज़ में अटक जाने से दिमाग उसी में फंसा रहता है, फिर हम चाह कर भी नई चीज़ें नहीं कर पाते। आपका मूव ऑन करना आपको और आपके चाहने वालों को एक नया रूप दिखाता है आपका। बीते दिन, पुरानी यादें, गलती से हुई गलती और किसी का साथ छूट जाना, ये हमारे सामने बार बार आता है हमें रोकने के लिए, पर हमको इसे इग्नोर करके अपनी लाइफ पर फोकस करना है, उन चीज़ों पर ध्यान देना है जो हमें खुशी देती है, तभी हम जिंदगी के सुकून को महसूस कर पाएंगे। इसके बाद है दोस्तों, अपने आप को एक ऐसा इंसान बनाओ जो दूसरों की सक्सेस इंजॉय करे। अगर आप खुद को दूसरों की सक्सेस पार्टी में शामिल करोगे तो आप खुद को उस जगह पाओगे जहां आपके चारों तरफ सक्सेसफुल पीपल होंगे, और कामयाब लोगों के बीच रहना आपको ऑटोमेटिकली वो चीज़ें करने की हिम्मत देता है जिसे आप करने से डरते हैं। आप ऐसे लोगों के बीच रहें जिन्होंने लाइफ में कुछ भी हासिल ना किया हो, और फिर आप ऐसे लोगों के बीच रहें जिन्होंने लाइफ में बहुत चीज़ें अचीव की हैं, तो आप देखोगे कि इन दोनों की सोच में जमीन आसमान का अंतर है। कुछ लोग बहुत एक्सक्यूजेस बनाते हैं कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, और जो कुछ उनके पास है उसी से काम करना शुरू करते हैं। अब आप समझ गए होंगे कि इनमें से सक्सेस कौन होगा, इसलिए खुद को सक्सेस लोगों के बीच रखना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद अपने आप को किसी से कंपेयर मत करो। होता क्या है कि हम अपनी वर्तमान स्थिति को किसी की भी वर्तमान स्थिति से मैच करने लगते हैं, जबकि यार कभी भी अपना पहला चैप्टर किसी के 10वें चैप्टर से मैच नहीं करना चाहिए। हम सब की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है, हम बाकियों के जैसा खुद को देखने लगते हैं, जबकि इस दुनिया में आप किसी के जैसे नहीं हो और कोई आपके जैसा नहीं है। यही आपकी सबसे बड़ी पावर है। आप वो चाहते हो जो सामने वाले के पास है, और क्या पता सामने वाला आपके जितना जीने का सपना देखता हो। अपनी खुशी सिर्फ खुद से रखो, आपको खुद में ही पूरी दुनिया नजर आने लगेगी। दोस्तों, आई होप आपको ये बातें मेंटली मजबूत होने में मदद करेगी, आप एक बेहतर आज जी पाएंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।